की मिल गई और मैं अपने दोस्त कयान के साथ हूँ जो कि बाइक चला रहा है। दाजी गौर ही आया फिर। दाजी गौर ही आया फिर। तो गाइस अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, आप मेरे पीछे सुन सकते हैं सहरी का वक्त हो रहा है, तो मैं आप लोगों को अजान के बाद मिलता हूँ। ओके बाय। तो गाइस अभी मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया हूँ और आप मेरी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि अभी रात के 3:30 बजे हुए हैं और शायद आपको पीछे अभी कुछ अजानें अभी चल रही हैं, आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी। मैंने अभी अभी सहरी कर ली और मेरा पेट एकदम फुल हो गया जिसकी वजह से मैं बोल भी नहीं सकता और मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो तकरीबन अभी मैं सोने लगा हूँ और मैं आप लोगों से सुबह मिलूँगा। इस व्लॉग के अंदर ना मैं अपने रेगुलर सेशन का जो है ना सेशन वो स्टार्ट रखूँगा। ओके बाय। तो गाइस सीन ये है कि अभी तकरीबन 1 बजने वाले हैं और मैंने जाना है एकेडमी, तो एकेडमी जाने के लिए मैं अभी नहा के आया, तो मैं आप लोगों को मिलता हूँ तकरीबन 1/2 घंटे के बाद। तो गाइस मैं नहा के आ गया हूँ, पानी बहुत ठंडा था तो मुझे बहुत सर्दी लगी, लेकिन मैंने कहा नहाना चाहिए क्योंकि आज फिर मैंने जुम्मा नमाज़ भी पढ़ने जाना है और 1:45 में जुम्मे की नमाज़ है और 2 बजे मेरी क्लास है, तकरीबन अभी 1:30 बजने वाला है। तो अभी मैं पहले जाऊँगा जुम्मा पढ़ूँगा, फिर उसके बाद अकेडमी जाऊँगा। तो तकरीबन मस्जिद से अकेडमी को 5 मिनट ही लगते हैं, 5 मिनट, तो 1:45 पर नमाज़ पढ़ के अकेडमी चला जाऊँगा और 2 बजे मेरी क्लास है, तो अब मैं आप लोगों को शायद रास्ते में मिलूँगा। और मैं बताता चलूँ, आज मुझे रोज़ा भी है और मैंने रात को थोड़ा कम सहरी में खाना खाया था जिसके वजह से मुझे अभी शदीद भूख लग रही है, शदीद भूख, और अभी पता चला है कि अफ्तारी को भी 6 घंटे रहते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या सीन बनता है, अगर ज़िंदा रह गया तो मैं शाम को व्लॉग बनाऊँगा। ओके बाय। तो गाइस मैंने रास्ते में जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ी थी, लेकिन रश की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाया और जुम्मे की वजह से मुझे थोड़ी सी लेट हो रही थी, तो मैंने कहा अगर व्लॉग बनाता हूँ तो लेट ना हो जाए, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन मैंने वापसी का व्लॉग बनाया स्कूल से वापस आने का, आप लोग अब वो देख पाए। तो गाइस अभी स्कूल से छुट्टी मिल गई है, स्कूल नहीं अकेडमी से छुट्टी मिल गई और मैं अपने दोस्त कयान के साथ हूँ जो कि बाइक चला रहा है। दाजी गौर ही आया फिर। दाजी गौर ही आया फिर। अच्छा, इस टाइम मेरा हाथ थक गया वरना मैं और व्लॉगिंग करता, और क्या व्लॉग करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं है तो मेरे पास अभी इस टाइम, तो बकवास तो बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी क्लास में कर रहे हैं तो अभी बच्चा नहीं है कहने के लिए। हाँ, सारा दिमाग हमारा वेस्ट हो चुका है, वेस्ट हो चुका है, शादी करते हैं शादी कर ले, फाइनल स्क्रीन आप इस साइड वाली गाड़ी की तरह फेयर हो जाएंगे भाई, हमारा भी जिक्र कर लो। हाँ, ये शायान भाई हैं, ये क्लास के सबसे लाइक बच्चे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, झूठ नहीं, सही बात, क्लास के झूठ बहुत बोलते हैं आजकल लोग, झूठ बहुत बोलते हैं, नहीं यार विश्वास ना किया करें, लाहौर का वासा ले, लाहौर का ट्रैफिक है, अलाउ चौक में है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप मेरे पीछे देखो अफ्तारी का टाइम है तो हर कोई भरा पड़ा है, अन्नी बचाना, अन्नी बचाना कहते हैं। अच्छा, आप कमेंट में बताएं मुझे, नीचे वैसे 1-2 कमेंट आ जाते हैं, तो नीचे कमेंट में बताएं अगर गेम प्ले या कोई पबजी वगैरह का कोई दूसरा सीन हो तो शायान भाई भी पबजी खेलते हैं, तो सीन बनाएंगे, सीन बनाएंगे और मेरे हाथ का सीन बन चुका है, 100 सब्सक्राइबर्स है फिर भी यार, बंदा कोई ना कोई तो आए ना साथ में, हाँ रूम बना के खेलेंगे, मेरे पास रूम आईटी है, मेरे पास रूम की है, ठीक है रूम आईटी, मेरे पास रूम कार्ड है, खेलेंगे रूम बना, फिर किसी दिन सीन करेंगे जिस दिन मैं अपने जोंग का पैकेज करूंगा पीटीटीएल पे, क्योंकि नहीं चलने वाला इंशाल्लाह। तो गाइस मैं एकेडमी से वापस आ गया था, तो अभी मैंने अफ्तारी भी कर ली है, आज रोज़ा मुझे बहुत लगा क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और प्यास मुझे इतना नहीं लगी, लेकिन मुझे भूख लगी हुई थी, अभी मैंने रोज़ा अफ्तार कर लिया है, तो अभी नीचे खाना बन रहा है, मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं करना, अगर कोई सीन होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। ओके बाय।
तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं माइलो ले रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आज ये वाला जो चॉकलेट फ्लेवर वाला है ना, ये लेना चाहिए, क्योंकि इस बार मैं नए स्टोर में गया डिस्काउंट वाले में। कल भी मैं वहाँ पे गया था तो मुझे चॉकलेट फ्लेवर दिखा था, लेकिन मैंने चॉकलेट फ्लेवर कल ट्राई नहीं किया था। तो आज मैं माइलो लेने लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि ये मिल्क वाला जो चॉकलेट फ्लेवर वाला मिल्क है, इसे ट्राई करते हैं। तो अभी आप लोग आएँ और देखते हैं कि ये कैसा है। ओके भाई, तो अभी मैं इसे पीने लगा हूँ और आप मेरा रिएक्शन चेक करें। चॉकलेट फ्लेवर है फुल, जैसे चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा है। थोड़ा सा आई थिंक इसमें दूध डाल दिया, चॉकलेट बहुत ज़्यादा डाल दिया। अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चॉकलेट है, थोड़ा सा इसके अंदर दूध भी डालना चाहिए था उन्हें। तो गाइस नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पबजी का कोई मैच लगाना चाहिए, कोई सीन ऑन करना चाहिए पबजी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और जो गेमिंग सीन है ना, वो इस तरह करेंगे कि जो सब्सक्राइबर्स होंगे और मेरे कुछ दोस्त होंगे और जो बाकी फेलो यूट्यूबर्स हैं, जो आप अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा बड़ा फेलो यूट्यूबर्स का, तो उनको मिला के वगैरह सबको मिला के ना एक वो करेंगे रूम में, एक पबजी की एक या दो गेमें खेलेंगे और उसे मैं अपने चैनल पे लाइव करने की भी कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। पीस आउट।